सभी को सादर जय श्री राम। आज का प्रसंग है कबंध का वध। इस प्रकार पक्षीराज जटायु के लिए जलांजलि दान करके वे दोनों रघुवंशी बंधु सीता की खोज में दक्षिण दिशा की ओर चले। कुछ दूर आगे चलकर वे एक ऐसे वन में पहुंचे जहां पर काफी वृक्ष झाड़ियां एवं लता बेलों द्वारा सभी ओर से घिरा हुआ था। वह वन अत्यंत दुर्गम, गहन और दुर्गम था। उसे पार करके वे कौचारण्य नामक वन, जो कि जनस्थान से 30 कोस दूर पर स्थित था, के भीतर पहुंचे। वह वन भी सघन अनेकों मेघों के समूह के सदृश श्याम प्रतीत होता था, किंतु विविध रंग के सुंदर फूलों से सुशोभित होने का कारण हर्षफुल सा भी जान पड़ता था। उसके भीतर अनेक पशु पक्षी निवास करते थे। वहां पर उन्होंने सीता को खोजना आरंभ किया, किंतु बहुत खोजने पर भी जब कोई परिणाम नहीं निकला तो वे आगे की ओर चले। इस वन को पार करके वे मतंग मुनि के आश्रम के पास पहुंचे। वह वन भी भयानक और हिंसक पशुओं से परिपूर्ण था। घूमते घूमते वे ऐसी पर्वत कंदरा पर पहुंचे जो कि पाताल की भांति गहरी सदा तथा अंधकार से आवर्त रहती थी। उस विशाल कंदरा के मुख पर एक अत्यंत मलिन, लंबे पेट वाली, बड़े बड़े दांतों वाली और बिखरे केश वाली मलिन मुखी विकराल राक्षसी बैठी हुई थी। हड्डी चबा रही थी। राम लक्ष्मण को देखकर वह अट्ठहास करती हुई दौड़ी और लक्ष्मण से लिपटकर बोली, आओ हम दोनों रमण करें। मेरा नाम अयोमुखी है, तुम मुझे प्रतिरूप से मिले हो और अब मैं तुम्हारी भार्या हूँ। उसकी इस कुचेष्टा से क्रोध में आकर लक्ष्मण ने अपनी म्यान से तलवार निकाली और उसके नाक कान तथा स्तन काट डाले। उसके सारे शरीर पर रक्त की धाराएं बहने लगी और वह चित्कार करती हुई वहां से भाग गई। अयोमुखी के भाग जाने के पश्चात दोनों भाई थोड़ी दूर गए थे कि वन में भयंकर आंधी चलने लगी। उन्हें एक भयंकर स्वर सुनाई दिया जिसकी गर्जना से संपूर्ण वन प्रांत गूंज उठा। सावधान होकर उन दोनों भाइयों ने तलवार निकालकर उस दिशा में पग बढ़ाए जिधर से यह भयंकर गर्जना आ रही थी। कुछ ही दूर जाने पर उन्होंने गज के आकार वाले बिना गर्दन के कबंध धड़मात्र राक्षस को देखा। उसका ना तो गर्दन था और ना ही मस्तक, उसके पेट में ही उसका मुंह बना हुआ था और छाती में लालाट था जिसमें अंगारे के समान दहकती हुई एक ही आंख थी। वह दोनों मुट्ठियों में वन के जंतुओं को पकड़े इनका मार्ग रोके खड़ा था। राम लक्ष्मण को देखते ही उससे लपक कर दोनों को एक साथ ही बलपूर्वक तथा पीड़ा देते हुए पकड़ लिया और बोला, बड़े भाग से आज ऐसा सुंदर भोजन मिला है, तुम दोनों को खाकर मैं अपनी क्षुधा शांत करूंगा। इस आकस्मिक आक्रमण से लक्ष्मण क्रोधित हो गए, परंतु रामचंद्र ने बड़ी फुर्ती से उस राक्षस की दाहिनी भुजा काट डाली। लक्ष्मण ने भी क्रोधित होकर उसकी बाई भुजा को काट दिया। वह चित्कार करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। पृथ्वी पर गिरकर उसने पूछा, वीरो आप दोनों कौन हैं? उसके इस प्रकार पूछने पर लक्ष्मण ने उसे दोनों भाइयों का परिचय दिया। उनका परिचय सुनकर कबंध ने राम से कहा, महाबाहु राम, पूर्व काल में मैं अत्यंत पराक्रमी था, किंतु पराक्रमी होते हुए भी राक्षस रूप धारण कर ऋषियों को डराया करता था। एक बार क्रोधित होकर स्थूलशिरा नामक महर्षि ने मुझे राक्षस हो जाने का श्राप दे दिया। श्राप मुक्ति के लिए मेरे द्वारा प्रार्थना करने पर उन्होंने बताया कि जब राम तुम्हारी भुजाओं को काट देगा तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हे पुरुष श्रेष्ठ, आपने राक्षस योनि से मुझे मुक्ति दिलाकर मेरा बड़ा उपकार किया है। अब आप मुझ पर इतनी कृपा और करना कि अपने हाथों से मेरा दाह संस्कार कर देना। कबंध की प्रार्थना सुनकर राम बोले, हे राक्षस राज, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। मैं तुमसे कुछ सूचना प्राप्त करना चाहता हूँ, आशा है तुम अवश्य दोगे। दंडक वन में मेरी अनुपस्थिति में लंकापति रावण मेरी पत्नी का अपहरण करके ले गया है। मैं उसके बल पराक्रम, स्थान आदि के विषय में तुमसे पूरी जानकारी चाहता हूँ। यदि तुम जानते हो तो मुझे बताओ। राम का प्रश्न सुनकर कबंध बोला, हे रघुनंदन, रावण बड़ा बलवान और शक्तिशाली नरेश है। उससे देव दानव सभी भयभीत रहते हैं। उस पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको नीति का सहारा लेना होगा। आप यहाँ से पंपा सरोवर चले जाइए। वहाँ पर ऋषिमुख पर्वत पर वानरों का राजा सुग्रीव अपने 4 वीर वानरों के साथ निवास करता है। वह अत्यंत वीर, पराक्रमी, तेजस्वी, बुद्धिमान, धीर और नीति निपुण है। उसके पास एक विशाल पराक्रमी सेना भी है जिसकी सहायता से आप रावण पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।
उसकी ज्येष्ठ भ्राता पाली ने उसकी राज और उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया है। यदि आप उसे मित्र बना सकें तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। वह राक्षसों के सब स्थानों को जानता है और उनकी मायावी चालों को भी समझता है। उसे भी इस समय सच्चे पराक्रमी मित्र की आवश्यकता है। आपका मित्र बन जाने पर वह अपने वानरों को भेजकर सीता की खोज करा देगा, साथ ही सीता को वापस दिलाने में भी आपकी सहायता करेगा। इतना कहकर कबंद ने अपने प्राण त्याग दिए। रामचंद्र उसका अंतरिम संस्कार करके लक्ष्मण सहित पंपासर की ओर चले। पंपासर के निकट उन्होंने एक सुंदर सरोवर देखा जिसमें दोनों भाइयों ने स्नान किया। साथियों, आज के प्रसंग में हमने जाना कबंद का वध। अगले प्रसंग में फिर मिलते हैं। जय श्री राम।